नमस्कार साथियों, BSA ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के लिए GK का टारगेट 2020 में किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं अपने इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपका होगा 27 नवंबर 2020 को। तो आज हम आपको दोस्तों बताएंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट GK के बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रहने वाली है। और अगर आप में से GK किसी को भी अगर आती है, अगर आप में से कोई भी GK का होनहार धुरंधर है जो इस बार की GK में आपके 50 से 50 नंबर आए, तो बस इस क्लास को देखिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि अगर आपके 50 में से 50 क्वेश्चन सही होते हैं, इसका मतलब ये है कि GK आपकी काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार है और बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो प्रयास कीजिएगा कम से कम 40 प्लस तो नंबर आए ही आए। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम आपके 40 प्लस नंबर आने चाहिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो बिल्कुल जल्दी से आ जाइए आप लोग, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज मैं जो क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, इस प्रश्न पत्र में GK के मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिखे हैं, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? चलिए सभी लोग मुझे बताइए। हाँ, आप भी जवाब दीजिए, ठीक है? तो जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी कमेंट करके बताएं, भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया, क्या आप जानते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया, क्रिप्स मिशन। तो जिसका भी क्रिप्स मिशन आ रहा है, बिल्कुल राइट है। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता तथा जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण बढ़ती हुई कीमतों तथा वस्तुओं के अभाव ने भारतीय जनमानस को असंतोष से भर दिया, लोगों को टेंशन सताने लगी यहाँ पर, इसलिए 14 जुलाई 1942 को, ठीक है ना, वर्धा में आयोजित, वर्धा कहाँ पर आपका? म्यांमार। तो वर्धा में आपका आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव होगा, ठीक है? बाकी लोगों के जिनके जवाब नहीं आ रहे थे, समझ में आ गया आपको, राइट आंसर आपका क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए, भारत के उच्चतम न्यायालय में, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नहीं थे? दोस्तों अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपको दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा आपका, संसद यानी कि पार्लियामेंट, वेरी गुड। और ये दिया गया आर्टिकल 124 के 1 में। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया, इसको बताइए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जनांकिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए, अगर इसको पूरे लाभ को प्राप्त करना है तो इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? ABCD में से क्या करेगा हमारा भारत? तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा और कार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु तथा घटते हुए अस्थिरता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन में योगदान करना जनांकिकीय लाभांश कहलाता है। तो ये तो रही इसकी परिभाषा, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए, अगर आपको इसका पूरा लाभ चाहिए, पूरा प्रॉफिट चाहिए, फुल प्रॉफिट, तो पूरा लाभ को प्राप्त करने के लिए कुशलता विकास को प्रोत्साहन देकर ही मानव संसाधन का कुशलतम दोहन किया जा सकता है, जिससे युवा शक्ति अंततः देश को विश्व शक्ति बनाने हेतु मार्ग प्रशस्त कर पाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो भी किसी के अंदर कुशलता होती है तो बस उसके स्किल डेवलपमेंट को जब यहाँ पर प्रोत्साहन देना, प्रमोट करना। ओके, तो हर, जैसे कि आप लोग जानते होंगे यहाँ पर हर किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी होती है, बस उसे उसी क्वालिटी और उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको प्रमोट करते रहेंगे, जैसे कि इसको हट, क्वेश्चन को साइड में करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मैथ अच्छी लगती है, अगर आपको मैथ कोई बताएगा, आपको पढ़ाएगा मैथ, उसी सेक्टर में अगर आपको आगे बढ़ाता रहेगा तो आप मैथ के एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर, हो सकता है कुछ ना कुछ खोज भी कर डालें उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपकी इसमें अप्लाई हो रही है, बस
स्किल को जो आपका अपने स्किल को जो है प्रमोट करना, तो स्किल डेवलपमेंट प्रमोटिंग, तो प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है कौन? देखिए जो संसद होती है पार्लियामेंट, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा इसी के अंतर्गत आते हैं। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। तो संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को, जो भी हमारे से कि प्रधानमंत्री कहीं गए वहाँ पर कोई संधि करके आ गए, तो इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधि। किसी देश और दूसरे देश के साथ, दूसरे देश के साथ कोई समझौता करना, कोई संधि करना, ये कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय संधि। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है किसकी सहमति से? देखिए अब मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर साफ तौर पर दिया गया आर्टिकल नंबर 253, नोट दिस पॉइंट, आर्टिकल 253 में, ठीक है, के अकॉर्डिंग बिना किसी राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी अन्य देश या देश के साथ की गई संधि या करार या अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संगम या अन्य निकाय में लिए गए किसी विनिश्चयन के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पे और उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों साफ तौर पर यहाँ पर दिया गया है बिना किसी राज्य की सहमति से। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये यहाँ पर पूरे देश में लागू होना चाहिए तो होना चाहिए, उसमें फिर किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए। बैंक दर में, अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, इकोनॉमिक्स के, क्योंकि अर्थशास्त्र में मोस्टली आपके बैंक CR रेपो रेट, ठीक है ना, पर CRR, तो ये सारी चीज़ें पूछा जाती है, रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक दर में वृद्धि सामान्यता इस बात का संकेत है कि क्या है? अब जो आपकी बैंक दर होती है, तो बैंक दर में जो वृद्धि हो रही है, दर में जो लगातार वृद्धि हो रही है, जो आप लोग आर निकलते हैं ना रेट, तो ये किस बात का संकेत है कि क्या होने वाला है, क्या कोई बता पाएगा? देखिए बैंक दर होती क्या है, सबसे पहले मैं आज आपको ये बताऊंगा। बैंक दर आपकी वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी की प्रत्याभूतियों पर लोन सुविधाएं प्रदान करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बैंक दर आपकी वह दर है, बैंक दर आपकी वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, जैसे कि आपका जो RBI है, RBI क्या है, आपका सेंट्रल बैंक है, तो RBI जो है आपका व्यापारिक बैंकों को, जैसे कि उसने SBI को, यूनियन बैंक को प्रथम श्रेणी का जो है प्रतिभूतियों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करता है। सामान्यतः जब देश में महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण किया जाता है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है। मेरी बात को समझिए, जब हमारे देश में महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण किया जाता है तो बैंक दर में वृद्धि की जाती है, और जब सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करने पर बैंक दर में कमी हो जाती है। तो हमारे यहाँ से क्या होगा, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण करती है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, समझ में आ गया आपको। चलिए अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा आज ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण रहस्य प्रश्नों के बारे में जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, लेकिन अगर इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चनों के अंदर इतने क्वेश्चन छिपे हुए हैं जिसके बारे में शायद आप लोग ना जानते हों। पढ़ने का सही तरीका दोस्तों आपका यही है कि जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल मस्ट है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, लेकिन इन टॉपिक्स रिलेटेड, इन पर बने जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको पढ़ना अति आवश्यक है अगर आपको अपने एग्जाम में सबसे आगे निकलना है। क्योंकि लाखों की भीड़ में अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आज मैं दोस्तों उन्हीं सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। तो 10th क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सुनिए, अम्ल वर्षा जो आपका किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अगर हम दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर अम्लीय वर्षा की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे अम्लीय वर्षा के बारे में, तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए अम्ल वर्षा हेतु नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि दोस्तों बारिश आपके यहाँ हो ही रही होगी, तो बारिश की अगर हम बात करेंगे, मोस्टली अम्लीय वर्षा दोस्तों कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मेरी बात को समझिएगा। आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक फैक्ट बताऊंगा जिनसे पेपर में क्वेश्चन आपके आता है।
आप जिसे वीडियो देखनी है वो देखेगा, जिसे पढ़ना है, जिसे कामयाब होना वो देखेगा, और जिसे लगेगा कि मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ तो अच्छी बात है दोस्तों, वो आपकी अपनी थिंकिंग है। अम्लीय वर्षा की मैं बता रहा था कि अम्ल वर्षा हेतु नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड ये मुख्यतः उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्रमशः अमोनियम नाइट्रेट व सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और ये वर्षा के रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहली तो नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? अब ऐसे में तो कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा दोस्तों, ये रिपोर्ट है क्या, आखिर इसको क्यों तैयार किया जाता है। आज मैं तमाम इससे रिलेटेड सारे तथ्य आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 14 क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिरता और उभरते बाजारों के वित्तीयन का मूल्यांकन होता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये उन वर्तमान स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करता है, ये जो भी आपकी वर्तमान जो वित्तीय स्थिरता है, यह दोस्तों उन वर्तमान स्थितियों पर ध्यान को केंद्रित करता है जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता और उभरते बाजार देशों की वित्तीय पहुंच के लिए संकट का खतरा पैदा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल तो इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका अति शीतित द्रव है? तो दोस्तों अब आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है एक अति शीतित द्रव है। वेरी गुड, सही जवाब होगी आपके यहाँ से मरकरी यानी कि पारा, पारा मरकरी ये जो आपका है एक अति शीतित द्रव है। खैर अब मैं आपको बढ़ाऊंगा आगे, हमारा आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, फिलहाल आप मुझे बताएगा इसका परमाणु क्रमांक क्या है। कमेंट करके दोस्तों मुझे बताएगा कि पारे का परमाणु क्रमांक याद है, मैंने पहले भी आपको बताया है। अब दोस्तों आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? अगर हम आपकी बात करें, हमारी बात करें, तो आप में हम में दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है हमारे अंदर नेचुरली नहीं होता? तांबा है, जस्ता है, आयोडीन है, सीशा है। अभी मैं बताऊंगा बहुत अच्छे एग्जांपल से। तो 16 क्वेश्चन की बात करेंगे, सीशा। सीशा दोस्तों एक भारी और अजैविक धातु होती है जो मानव के शरीर में नहीं पाया जाता, जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता। बाकी हमारी बॉडी में तांबा भी है, आयोडीन भी सेवन करते हैं, जस्ता भी हमारी बॉडी में है, बट शीशा नहीं होता प्राकृतिक रूप से। ठीक है ना, बाकी सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली होते हैं, फिलहाल शीशा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और बिलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया इनकी क्या कहलाती है, ये आप लोग मुझे बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एक बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है। और अगर मैं 17 क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको दिया गया है कि सूक्ष्म जीवों उपयोग द्वारा, जो छोटे छोटे से जीव होते हैं इनके यूज के द्वारा थल एवं समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, इनके उपचार की प्रक्रिया को जैविक उपचार कहलाता है, इसको बोलते हैं बायो और रिमेडिएशन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा बायो रिमेडिएशन यानी कि जैविक उपचार। क्लियर होगी इतनी बात, चलिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे समुद्र में दोस्तों जहाज चलते हैं तो समुद्र का पानी गंदा होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर यह विधि अपनाई जाती है जैविक उपचार। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? मिल्क आपको दिया गया है, मिल्क होगा आपका, पंक होगा, मक्खन या फिर बोरिक अम्ल। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है दोस्तों। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक जो है केमिकल मिक्सचर है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु से समान रूप से परिक्षेपित होती है।
जिसमें जो एक वस्तु होती है ये दूसरी वस्तु से समान रूप से परिक्षेपित होती है। परिक्षेपित वस्तु के कण मिश्रण में केवल निलंबित रहते हैं, ना कि एक बिलियन की तरह, जैसे कि आपका दूध हो गया, पंख है, मक्खन है, बट ठीक है ना, तो इसमें आपका बोरिक अम्ल नहीं आएगा, बोरिक एसिड नहीं आएगा। चलिए अब आप बताइए, हीरक वलय ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक के हिस्से हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सही जवाब होगा आपका सोलर इक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण। आज का अगला प्रश्न देखिए, टेलीविजन का दूर नियंत्रक प्रयोग करता है, टेलीविजन रिमोट यूजेस। देखिए आपका जो टीवी है घर में, आप लोग टीवी चलाते होंगे तो आपके हाथ में रिमोट रहता ही होगा, तो टीवी का जो रिमोट है वो किस तरंगों का प्रयोग करता है? आपने बटन दबाया, आवाज़ बढ़ गई, बटन दबाया चैनल चेंज हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, अवरक्त तरंगे, इनको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स। रिमोट देखना आप लोग, रिमोट के आगे सेंसिंग लाइट लगी होती है, तो अवरक्त तरंगे वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अवरक्त तरंगे वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो और सूक्ष्म तरंगों से कम हो। अवरक्त तरंगों का प्रयोग टेलीविजन के दूर नियंत्रक में होता है, रिमोट में होता है। और सबसे खास बात एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये है, तरंग दैर्ध्य अवरक्त किरणों का तरंग दैर्ध्य होता है 750 mm से 1 mm के बीच रहता है, इस बात को बिल्कुल आपको ध्यान रखिएगा, 750 mm से 1 mm के बीच होता है। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कटोरी में जल के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तैराया जा सकता है, यह परिघटना किस कारण से होती है? चलिए बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। जल के पृष्ठ तनाव के कारण इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अब आप मुझे बताइए, पीने के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाने वाले जल में, जो हम पानी पीने वाले हैं, तो पीने के उद्देश्य से प्रयोग में लाए जाने जल में बिरंजक चूर्ण मिलाया जाता है, इस मामले में बिरंजक चूर्ण की भूमिका क्या है, ये क्या करेगा दोस्तों, क्यों मिलाया मैंने इसको? तो बिरंजक चूर्ण चूने का क्लोराइड होता है और देखने में चूने की तरह सफ़ेद होता है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, तो इसका जो निर्माण है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, नोट दिस पॉइंट, चार्ल्स टेनेंट ने किया था 1799 में, इसका निर्माण चार्ल्स टेनेंट ने 1799 में किया था, और यह पीने के जल के शुद्धिकरण में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एक आपका कृमिनाशक के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जल के शुद्धिकरण के लिए, क्यों मिलाया मैंने यहाँ पर, जल के शुद्धिकरण के लिए, तो कह सकते हैं ये एक आपका रोगाणुनाशी है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है हमारा, ये कृमिनाशी है, कृमिनाशक है, रोगाणुओं का नाश करता है, उनको ख़त्म करता है, ठीक है। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, तो बिरंजक चूड़ की भूमिका यही है, क्योंकि ये जो आपका कृमिनाशक की तरह प्रयोग किया जाता है, कृमिनाशक के लिए प्रयोग किया जाता है। कृमिनाशक समझते हैं, कृमि मतलब होता है कीड़ा, इंसेक्ट, प्रदूषण समझ सकते हैं आप लोग, जिससे हमारा जल दूषित हो गया है। अब ले चलते हैं दोस्तों आपको आगे, आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग मुझे बताइए, भारी पानी को ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है? दोस्तों भारी पानी को हम लोग भारी पानी क्यों कहते हैं, ऐसा क्या है दोस्तों, पानी भारी, ज़्यादा भारी होता है क्या? नहीं, सुनिए मेरी बात को, ड्यूटोरियम, इसका नाम है, ड्यूटोरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, ड्यूटोरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम डी होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक है, ठीक है। इसकी खोज 1932 में यूरे और वॉट्सवर्थ ने की थी, खोज किसने की थी, नोट दिस पॉइंट, इसकी खोज की थी 1932 में यूरे तथा वॉट्सवर्थ ने की थी, और इसका अणुभार 20 होता है, साधारण जल के 5000 भाग में से एक भाग भारी जल का होता है। भारी जल कहा जाता है क्योंकि, आप सुनिए मेरी बात को, ये भारी बहुत ज़्यादा भारी होता है क्या, सुनिए, भारी जल को भारी जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो घनत्व है, डेंसिटी, सिंपल वाटर से ज़्यादा होती है, इसकी जो डेंसिटी है ये आपके सिंपल वाटर से ज़्यादा होती है। भारी जल का प्रयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिकों के निर्माण तथा यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, इसका जो उपयोग है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, ठीक है। तो फिलहाल आपका राइट आंसर क्या होगा, 24 क्वेश्चन का ऑप्शन डी है,
इसमें जो है पानी में हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी सम स्थानिक विद्यमान होता है, ये बात बिल्कुल राइट होगी। मुझे लगता है, यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर क्लास आज की आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, बहुत कम लोग मैं देख पा रहा हूँ क्लास में, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए इस बार जीके का दोस्तों मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा देंगे जो आपको पेपर मिल जाएंगे। हमारा पूरा प्रयास यही है कि जीके का एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, और हम इसलिए करंट अफेयर स्पेशल चला रहे हैं। करंट अफेयर की भी क्लास आपकी स्पेशल चल रही है, वहाँ पर मैं विद डिटेल एक ही क्वेश्चन को पहले पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको वो चीज़ें समझ में भी आएँ और आपको लंबे समय तक याद भी रहें। जब आपका एग्ज़ाम हो तब आप उन प्रश्नों को ऑप्शन को देखकर ही लगा लें, फिर आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ये हमें याद नहीं था, फिर आपको ये लगेगा हाँ ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो इसमें से आपका या तो बी हो सकता है, सी हो सकता है। अगर आपने याद भी नहीं किया है, अगर खाली वीडियो देख ली है, अगर आपने याद भी नहीं किया है सिर्फ वीडियो देख लिए, तो भी आप क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इतना हम आपको जो है दावा करते हैं। तो बस आप लोग जो है यकीन मानिएगा, ध्यान से पढ़ाई कीजिए, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सफिशियंट है। अब आगे आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए। ईंधन के रूप में U-233 का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बृहत अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में U-233 का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बृहत अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? 25 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी है, कामनी। तो जिनका भी दोस्तों आंसर ऐसे कामनी आ रहा है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब दोस्तों क्या होगा आपका? कामनी होगा, ठीक है। अच्छा, और दोस्तों आपको बता दें और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग कीजिएगा। द्रव चालित ब्रेक, इसका नाम बहुत सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक, ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है दोस्तों? हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि द्रव चालित लिफ्ट युक्तियाँ हैं, ये डिवाइसेस हैं इन विच फ्लड्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग फोर्स, मोमेंटम, प्रेशर या फिर पावर। ये क्या है, आप इससे क्या समझते हैं, आज हम आपको बताएंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में, सुनिएगा। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक और यानी कि द्रव चालित लिफ्ट, तो इसमें बल का संचरण तरल के माध्यम से होता है। इसमें दोस्तों बल का संचरण कैसे होता है, तरल के माध्यम से, लिक्विड के माध्यम से होता है। द्रव चालित ब्रेक में प्रायः एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है, इस ब्रेक में जो है प्रायः एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव चालित लिफ्ट में बहुधा तेल होता है, किंतु कभी कभी जल का भी व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना सो, किंतु कभी कभी जल का भी व्यवहार किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ट्रांसमिशन होता है बल का, ठीक है ना। तो काम दोस्तों क्या है आपका, बल ही तो लगा रहा है यहाँ पर ही है, तरल हुआ तो क्या हुआ, काम इसका जो है क्या है, बल लगा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है इसमें बल का संचरण तरल के माध्यम से ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों आपने मुझे बताया कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है। अब जो लोग धूम्रपान करते हैं, बहुत गलत आदत है, फिलहाल आप लोग देख लीजिए ये क्या करता है, जो लोग करते हैं उनकी बॉडी में धीरे धीरे जो है ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा क्या होता है, क्या करता है। तो 27 क्वेश्चन की बात करेंगे, धूम्रपान में ज्वलनशील पत्तियों की सामग्री के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, और आप जानते हैं दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत हानिकारक है, जो क्या करती है फेफड़ों में रक्त द्वारा ले जाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा घटा देती है। मतलब जो हम सांस ले रहे हैं, तो जब हमने सांस ली हमारी बॉडी के फेफड़ों में पहुंची, यहां पर दोस्तों क्या होगा, जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, जिस मात्रा में हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच रही है, तो ये उस मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें चाहिए 98, पहुंचेगी हमारी बॉडी में 90, करते रहेंगे 50-60 ऐसे जो है कम होने लगेगा धीरे धीरे, और फिर बीमारियां आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या करता है दोस्तों यहाँ से, ये 27 क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन बी, रक्त में ये जो है ऑक्सीजन का कंटेंट को जो है कम करता है, डिक्रीज इन O2 कंटेंट इन ब्लड, हमारे ब्लड में O2 कंटेंट को कम करता है, उसको डिक्रीज करता है, ठीक है। चलिए, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है, बताइए। बिल्कुल, स्टेथोस्कोप जिसको बोलते हैं आला, तो आपका राइट आंसर होगा ये है ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन, ठीक है ना दोस्तों। जो डॉक्टर चेक करने के लिए करते हैं आपका, हार्ट बीट सुनने के लिए करते हैं यूज। आप ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला प्रश्न है, थ्री डी फिल्मों को देखने के लिए
आप लोगों में से कभी ना कभी तो कोई ना कोई थिएटर गया होगा, तो मैं आपको बता दूं 3D फिल्मों को देखने के लिए जो आपका चश्मा होता है उस चश्मे में क्या होता है। आप लोग एकदम 3D मूवी देखने बैठे हुए हैं तो जो आपने चश्मा लगाया हुआ है चश्मे में क्या होगा, उत्तल लेंस, पोलराइड, अवतल लेंस या फिर द्विफोकसी। तो 3D क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलराइड। तो जिनका भी आंसर पोलराइड आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। आज का अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ से भारतवर्ष के कुछ भागों में गांववासी केले के पौधे को जलाने से प्राप्त राख के जल सार को सोडा के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में से सार का मुख्य सक्रिय घटक क्या है, बताइए। चलिए देखिए 32 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर जो गांव वाले लोग हैं ये केले के पौधे को जलाने से जो प्राप्त राख होती है उस राख के जलसार को सोडा के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग करते थे, क्योंकि इसमें दोस्तों पता है क्या होता है, इसमें आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो उपस्थित रहता है, क्योंकि इसमें आपका जो सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके सामने, कभी कभी स्थानीय स्तर पर निर्मित अल्कोहलिक पेयों के उपभोग से अंधापन या मृत्यु भी हो सकती है, यह पेय में किसके संदूषण के कारण होता है। दोस्तों आपने सुना होगा कभी कभी क्या होता है स्थानीय स्तर पर जो अल्कोहलिक पेय होते हैं दोस्तों, यहाँ पर अल्कोहलिक पेय तो आप लोग जानते हैं, तो इसके उपभोग से अंधापन या मृत्यु भी हो जाती है। इसमें दोस्तों क्या ऐसा मिला होता है तो आपको बता दें, मैथिल अल्कोहल दोस्तों ये बहुत हानिकारक है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर निर्मित अल्कोहलिक पेय को उपभोग से अंधापन या मृत्यु भी हो सकती है, यह पेय में मेथिल अल्कोहल के संदूषण के कारण होता है, और मेथिल अल्कोहल जो आपका बूड अल्कोहल से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों ये किससे प्राप्त किया जाता है, मेथिल अल्कोहल आपका जो है बूड से प्राप्त किया जाता है, बूड अल्कोहल से प्राप्त किया जाता है। चलिए प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको उष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए, और इसमें कौन सी प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है। दोस्तों आप लोगों ने अपने घरों में कुकर को तो देखा ही होगा, प्रेशर कुकर को, तो होता क्या दोस्तों कुकर में आपका एक ब्लैक कलर की जो है प्लास्टिक लगी होती है कुकर के हैंडल में और उसके आगे, तो जो प्लास्टिक होती है आपके कुकर में ये किससे बनी होती है, कौन सी प्लास्टिक है इसको बताना है। ये गर्म नहीं होती है, आपकी कुकर की पूरी बॉडी गर्म हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको पकड़ोगे हैंडल से तब आपको गर्म नहीं लगेगा, आप इसे आराम से गैस से उठाकर नीचे रख पाओगे। तो 34 क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा आपका बैकेलाइट, ये प्लास्टिक आपकी होती है बैकेलाइट वाली, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो प्रेशर कुकर आपका होता है इसमें आपकी जो मानव निर्मित प्लास्टिक है पहली, यही दोस्तों है प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक जिसका नाम है बैकेलाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर, और मैं देख पा रहा हूँ क्लास में लगातार लोग कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं तो वो भी आंसर ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। क्लास में 1000 लोग कम से कम आने चाहिए, अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो यकीन मानिएगा मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि एक भी क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, और आपको सारे क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जैसे जैसे सपोर्ट मिलता रहेगा आपकी क्लास वैसे वैसे स्पेशल होती चली जाएंगी। फिर मैं दोस्तों बहुत ही डीपली आपको चीज़ें बताऊंगा, एक एक चीज़ को समझाऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा, ताकि उन चीज़ों के बारे में उनके डायग्राम को देखकर आप अपने दिमाग में उन आंसरों को फिक्स कर सकें, फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ाने के, लेकिन आपके रिस्पॉन्स पर ही डिपेंड करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों अब ले चलते हैं आपको आगे आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक में आपका पैप्टाइड श्रृंखला होती है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं बट आपको बताना कि पैप्टाइड श्रृंखला किस में होती है। चलिए अब इसके बारे में आपको बताते हैं, आपने नाम सुना होगा इंसुलिन का। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन की जो खोज है, इंसुलिन की खोज की थी एफ बैटिंग ने, इंसुलिन की खोज की थी, नोट दिस पॉइंट, एफ बैटिंग ने की थी। इंसुलिन हमारी बॉडी में बनने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन है, तो जो आपकी बॉडी है उसमें बनने वाला एक नेचुरल हार्मोन है आपका इंसुलिन, ये नेचुरल हार्मोन है। इस हार्मोन में आपकी पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, और इसका प्रत्येक अणु डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी दो अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से इंसुलिन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपका यहाँ से इंसुलिन, ठीक है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि इनमें से किन्हें आनुवांशिक इंजीनियरिंग का जनक माना जाता है।
हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, पॉल वर्ग। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से पॉल वर्ग आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब होगा आपका यहाँ से पॉल वर्ग। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, इसको बताइए, पेनिसिलिन से किसका संश्लेषण निरोधित होता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पेनिसिलिन से जो है किसका संश्लेषण निरोधित होता है। तो 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है आपका सेल वॉल। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। दोस्तों आपने देखा होगा अगर हम बात करेंगे वनस्पति की तो कौन से भाग वनस्पति और जंतु कोशिका दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे आप पेड़ पौधों को ले लीजिए चाहे अपने आप को ले लीजिए, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न आपके सामने, कार्बन का बह रूप जिसे ग्रेफाइट कहते हैं वो कैसा होता है। 40 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आएगा, हीरे की अपेक्षा जो है बेहतर विद्युत चालक होता है। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा, वेरी गुड। और अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, गुप्त काल में 12 मिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की, यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था, इसको आप लोग बताइए। 41 क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है, एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया साथियों। अब ले चलते हैं आपको आगे, मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मानवों में श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो 42 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा आपका, ड्यूरिंग इनहेलेशन इंट्राप्लेरल प्रेशर्स बिकम मोर नेगेटिव। तो नीच श्वसन दौरान अंतः फुस्फुसावरणी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आपका सही जवाब होगा यहाँ से ऑप्शन सी वाला। वह कौन सा यौगिक है जो सफ़ेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को एब्जॉर्ब करता है। तो 43 क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण की उच्चतम तरंग धैर्य होती है। देखिए तरंग धैर्य के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य होती है जो दूर से दिखता है, लाल रंग, रेड रंग आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा डेंजर वाली जो लाइट होती है रेड कलर की होती है ताकि दूर से चीजें दिख जाएं। और सूर्यास्त और सूर्योदय होते समय सूर्य का रंग भी जो हमें यहाँ पर लाल रंग का दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, लाल रंग की तरंग धैर्य होती है यहाँ से 6563, 6563। तो जिसका भी राइट आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, सबसे कम होती है बैंगनी रंग की, बिग ब्योर से आप लोग याद रख सकते हैं, बिग ब्योर। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, जब गहरे समुद्र की मछलियाँ, अब देखिए मछलियों की बात कर लेते हैं, जो मछलियाँ समुद्र की गहराई में रहती हैं, अगर आप इन मछलियों को जो है ऊपर लाएंगे, जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं तो उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में जो खून होता है वो उसी हिसाब से चल रहा होता है। तो 45 क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत तेज दाब पर बहता है क्योंकि उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है बहुत तेज प्रेशर के साथ बहता है और फिर होता क्या, उनका शरीर फट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रबद्ध हुआ था। आज हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। तो दोस्तों 48 क्वेश्चन की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को प्रबद्ध हुआ था, 26 जनवरी 1957 को प्रबद्ध हुआ। सितंबर और अक्टूबर 1951 में जम्मू कश्मीर की संवैधानिक सभा का निर्वाचन राज्य के भविष्य के संविधान को तैयार करने हेतु तथा भारतीय संघ के साथ संबंध हेतु राज्य के लोगों द्वारा हुआ। जम्मू कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1957 को अंगीकार किया गया।
तथा 26 जनवरी 1957 को प्रवत हुआ और प्रभाव में आया। तो जिनका भी आंसर यहाँ से डी आ रहा है 26 जनवरी 1957, बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा, वेरी गुड। और दूसरे चलते हैं आपको आगे, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनर्स्थापित किया जा सकता है? जी बहुत बढ़िया साथियों, रेलवे और सामान्य बजट। संस्थाएं और संघ बनाने के लिए का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ठीक है, आप आंसर जरूर दीजिए, बहुत कम लोग आ रहे हैं क्लास में, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप जवाब दीजिए दोस्तों। यहाँ पर जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए, आप लोग प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे सफल होंगे आप। लेकिन बिना प्रयास के दोस्तों एडिशन ने बल्ब नहीं बनाया, एडिशन ने भी दोस्तों हजारों बार प्रयास किया, प्रैक्टिस की, बार बार प्रयोग किए, असफल रहा, लेकिन बार बार प्रयोग करने के बाद, हार ना मानने के बाद सफलता उसको मिली और उसने प्रकाश की खोज कर ली, बल्ब बना लिया। तो बस आपको प्रयास करते जाना है। 53 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, केवल नागरिकों के लिए गारंटित स्वतंत्रता का अधिकार। आज का अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगाह ए खास किसे निर्दिष्ट करता है? बताइए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर, देखते हैं किस किस को पता है। सही जवाब होगा आपका शाही गुलाम, शाही गुलाम। मोटराना और हथियाना किसे निर्दिष्ट करते हैं? देखिए, किसानों द्वारा मोटराना और हथियाना नामक ये लगान जो है जमींदारों को दिया जाता था, जिससे वह मोटर कार और हाथी का उपयोग करता था। तो फिलहाल ये पहले की बात है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब ले चलते हैं आपको आगे, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? कल्याणदास दोस्तों। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर कल्याणदास आ रहा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही जवाब दोस्तों आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कल्याणदास। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कल्याणदास आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अबुल फजल द्वारा रचित, अब मैं बताऊंगा यहाँ पर सभी के बारे में, सुनिएगा मेरी बात 65 क्वेश्चन में। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में अकबर के दरबार के विभिन्न चित्रकारों के नाम मिलते हैं। ये नाम मतलब मैं पता कहाँ से बता पा रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, ठीक है ना, किताबों में पढ़ लेंगे तो आपको इसके बारे मिल जाएगा। तो आईने अकबरी में अकबर के दरबार के जितने भी चित्रकार थे उन सभी के नाम मिलते हैं, नोट करिएगा। आज मैं सारे नाम बताऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं, दसवंत, बसावन, केशव, मुकुंद, महेश, मिसिकन और अब्दुल समद आदि, ये कुछ महान चित्रकार थे जिनके नाम मिलते हैं अबुल फजल की रचित आईने अकबरी में। तो इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट, यूजफुल, हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, बस आप लोग सपोर्ट करते रहेगा, पीछे मत हटना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।